कोटा में आगामी त्योहारी सीजन से पहले बड़ी मात्रा में नकली मिल्क बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस व खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कोटा के रंगबाड़ी इलाके में चल रहे नकली मिल्क केक के कारखाने पर छापा मारकर 20 क्विंटल नकली मिल्क केक जब्त किया। मौके से बड़ी मात्रा में रेपा और कच्चा व तैयार माल भी बरामद किया गया है। वहीं नकली मिल्क केक कारखाने के संचालक पवन अग्रवाल को हिरासत में लिया गया है। महावीर नगर थाने के एसआई सतवीर सिंह ने बताया कि रंगबाड़ी अरिहंत स्कूल के पास नकली मिल्क केक के कारखाने की सूचना मिलने पर छापा मारा गया। मौके से 20 क्विंटल नकली मिल्क केक व मलाई बर्फी जब्त की गई है। वहीं कारखाने के मालिक पवन अग्रवाल को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद CMHO भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि सूजी शक्कर व वनस्पति तेल से नकली मिल्क केक व मलाई बर्फी बनाई जा रही थी। त्योहारों के मौके पर लोग सस्ते के लालच में इसे खरीदते हैं और यह आसानी से बिक जाता है। आरोपी पवन अग्रवाल पिछले 2 सालों से नकली मिल्क केक बनाने का धंधा कर रहा था। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि रंगबाड़ी में हरियंत स्कूल के पीछे एक पवन अग्रवाल नाम का व्यक्ति जो अवैध तरीके से कारखाना चला रहा है और मिल्क केक व मलाई बर्फी बना रहा है। तो यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँची और पुलिस मौके पर पहुँचने के बाद रसद अधिकारियों को सूचना दी। फूड इंस्पेक्टर आया जिसमें माल को जब्त किया है और माल को जब्त करके जो भी पुलिस उसकी कार्रवाई बनेगी रसद विभाग की वो करेंगे। पुलिस की कार्रवाई जो बनेगी पुलिस करेगी, इसकी यही है। यहाँ काम करने वाले पवन अग्रवाल है, उसके साथ 2-3 व्यक्ति और हैं जो अभी रसद अधिकारी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके आधार पर अगर वो FIR देंगे अपनी तरफ से तो पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी कार्रवाई बनेगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ी मात्रा में बनावटी मिल्क केक था जो कि सूजी शक्कर और वनस्पति तेल से बनाया गया मिल्क केक था। ये 20 क्विंटल के आसपास माल था जो जब्त किया है और ये लगभग 2 साल से इस काम को कर रहा था, लेकिन अभी सुर्खियों में ज़्यादा आया है और पुलिस और हमारे संयुक्त तत्वाधान में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। त्योहारों पे इस तरह के माल के पकड़ने की संभावना ज़्यादा इसलिए होती है कि दूर दराज के गांवों में सस्ते में ये माल आसानी से बिक जाता है और लोग इसको आसानी से खरीद करके यूज़ भी कर लेते हैं।